अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त आपके सामने मौजूद है टोयोटा एक्वा 2014 का मॉडल है और 2017 की इंपोर्ट है। आज इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करेंगे, गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाएंगे, इंटीरियर दिखाएंगे और फिर उसके बाद गाड़ी की डिटेल से बात करेंगे। गाड़ी फॉर सेल है तो सबसे पहले आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड देते हैं ताकि आपको गाड़ी की कंडीशन का ठीक से अंदाज़ा हो जाए। टोयोटा एक्वा 2014 का मॉडल है और 2017 की इंपोर्ट। गाड़ी की साइड लुक आप देख सकते हैं। गाड़ी के इंटीरियर की आपको एक क्विक लुक दे देते हैं। टोयोटा एक्वा का इंटीरियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। डिटेल में बात करें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की हेडलाइट से। गाड़ी की हेडलाइट्स आप यहाँ देख सकते हैं। लो बीम जो है वो हमें प्रोजेक्टर लैंप पे मिल जाता है, हाई बीम हमें हैलोजन बल्ब पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक पार्किंग बल्ब हेडलाइट्स में मौजूद है। नीचे बात कर लें तो टर्न सिग्नल इंडिकेटर जो है वो हमें फॉग लाइट के साथ मिल जाएगा। फॉग लाइट्स की ऑप्शन गाड़ी में भी इंस्टॉल मिल जाएगा। गाड़ी के बम्पर की बात करें तो बॉडी कलर में गाड़ी के बम्पर्स आते हैं। बम्पर्स के सेंटर में आप देख सकते हैं टोयोटा की बैजिंग की गई है और ब्लू कलर का, जो मतलब है कि गाड़ी हाइब्रिड है। सिंपल प्लास्टिक ग्रिल्स फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं। गाड़ी की राइट साइड की लाइट्स की कंडीशन आप देख लें। गाड़ी के बोनट की कंडीशन देख लें आप। गाड़ी के राइट साइड के फेंडर पे हमें हाइब्रिड की बैचिंग मिल जाएगी। इसके अलावा खूबसूरत 15 के अलॉय व्हील्स गाड़ी में प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे और टायर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। गाड़ी के साइड व्यू मिरर की बात कर लें तो टर्न इंडिकेटर हमें हैलोजन बल्ब में साइड व्यू के मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल साइड व्यू मिरर्स हैं गाड़ी के। गाड़ी की राइट साइड कम्प्लीट आप देख लें, स्क्रैचलेस है। डोर हैंडल से हमें फ्रंट पे की होल की ऑप्शन मिल जाएगी और गाड़ी के डोर हैंडल जो हैं वो बॉडी कलर में आते हैं। गाड़ी की बैक साइड पे टाइप के भी आपकी कंडीशन क्लोज करके दिखा देते हैं। 15 के अलॉय व्हील्स के साथ बैक पे हमें ड्रम ब्रेक मिल जाती हैं और फ्रंट पे हमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है और ये गाड़ी ABS के ऑप्शन के साथ आती है। गाड़ी की टेल लाइट की बात कर लें तो यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट लाइट्स मिल जाती हैं LED में। इसके अलावा टर्न इंडिकेटर के लिए हैलोजन बल्ब मौजूद है और रिवर्स गियर की लाइट्स के लिए हैलोजन बल्ब मौजूद है। यहाँ पे हमें हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैच मिल जाएगा। इसके अलावा बैक विंडशील्ड की बात करें तो डीफॉगर के साथ और वाइपर की ऑप्शन के साथ आती है। मज़ीद बात करें तो गाड़ी के रूफ टॉप पर हमें एक एंटीना मिल जाएगा और बैक साइड पर हमें एक स्पॉयलर मिल जाएगा जिसमें हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है। गाड़ी के रेयर बम्पर की बात कर लें तो गाड़ी के रेयर बम्पर बॉडी कलर में है जिन पे हमें रिफ्लेक्टर की ऑप्शन नहीं मिलती। गाड़ी की लेफ्ट साइड वही टेल लाइट्स आप देख सकते हैं और इस तरफ हमें एक्वा की बैचिंग मिल जाएगी। ये दिखा देते हैं आपको गाड़ी की लेफ्ट साइड। गाड़ी की लेफ्ट साइड भी कंप्लीट नीट एंड क्लीन है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें सबसे पहले यहाँ पर ड्राइवर डोर को आप देख लें। ब्लैक मैट फिनिश में यहाँ हमें डोर दिया गया है। डोर लैश हमें सिंपल ब्लैक कलर में मिल जाएगा। इसके अलावा पावर विंडोज़ के यहाँ पे बटन दिए गए हैं। सेंटर लॉकिंग सिस्टम है और विंडो को लॉक करने का बटन मौजूद है। इसके अलावा मज़ीद नीचे बात करें तो एक स्पीकर और स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा।
गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो फोर स्पोक वन वे एडजस्टेबल पावर स्टेयरिंग व्हील्स के साथ ये गाड़ी आती है। स्टेयरिंग व्हील के राइट साइड पे हमें हेड लाइट कंट्रोल स्विच और लेफ्ट साइड पे हमें वाइपर कंट्रोल स्विच मिल जाएगा। इसके अलावा स्टेयरिंग व्हील के मजीद राइट साइड पे बात करें तो यहाँ पे हमें राउंड शेप में एक एयरवंड मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे साइड व्यू मिरर्स को कंट्रोल करने के बटन्स मिल जाएंगे, फॉग लाइट्स के स्विच मिल जाएंगे और हेडलाइट्स को कंट्रोल करने के बटन्स मिल जाएंगे। मजीद गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमें डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा, उसके नीचे हमें दो एयरवंड्स मिल जाएंगे। गाड़ी का इंटरटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमें डिजिटल एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डिजिटल क्लाइमेटिक कंट्रोल। गाड़ी की ट्रांसमिशन फ्रेंड्स आप देख लें, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी आती है। और मज़ीद यहाँ पे हमें एक स्टोरेज कंपार्टमेंट और दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो टू कलर टोन में गाड़ी का इंटीरियर है। यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और नीचे एक ग्लव्स बॉक्स मौजूद है। इस तरफ गाड़ी पे बात करें तो एक राउंड शेप में एयरवंड्स मिल जाएगा। पैसेंजर के लिए यहाँ पे एक एयरबैग मौजूद है और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी एक एयरबैग मौजूद है। मज़ीद यहाँ पे पैसेंजर डोर की बात कर लें तो डोर लैश हमें सिंपल ब्लैक कलर में मिल जाएगा। इसके अलावा एक विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन मिल जाएगा और नीचे हमें एक स्पीकर और स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। मज़ीद अगर आपको गाड़ी की सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स इस गाड़ी में मिल जाएंगे ट्यू कलर टोन में। गाड़ी के सेंटर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इको मोड और ईवी मोड के स्विच दिए गए हैं। यहाँ पे मैन्युअली पार्किंग ब्रेक्स हैं और फ्रंट सीट जो हैं वो हेडरेस्ट के साथ हैं। बैक साइड पे सीट पे बात करें तो फुली फैब्रिक सोफ़ा सीट हमें मिल जाएगी जो कि थ्री हेडरेस्ट के साथ आती है। गाड़ी की रूफ टॉप पोशिश आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर काफ़ी नीट एंड क्लीन, यहाँ पे हमें जो है वो कैबिन लाइट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ सनशेड में मिरर की ऑप्शन मौजूद है दोनों तरफ हमें मिरर्स की, दोनों तरफ हमें गाड़ी में मिरर्स की ऑप्शन दी गई है। टोयोटा एक्वा 2014 का मॉडल है और 2017 की इंपोर्ट है। एसएन मोटर्स लाहौर पे इस वक्त ये गाड़ी मौजूद है। अब आपको गाड़ी का इंजन दिखा देते हैं। गाड़ी के इंजन की बात कर लें तो 1500 सीसी फोर सिलेंडर इनलाइन हाइब्रिड इंजन गाड़ी में आता है। इंजन के कंपोनेंट्स हैं वो आपको करीब से करके दिखा देते हैं। टोयोटा एक्वा 2014 का मॉडल है और 2017 इंपोर्ट है। गाड़ी का इंजन फ्रेंड्स आप जिस देख सकते हैं नीट एंड क्लीन इंजन यहां पे नज़र आ रहा है हमें। ये हाइब्रिड गाड़ी है तो फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो वो इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर हम केयरफुली ड्राइव करें तो इस गाड़ी में 18 से 20 या 22 तक भी फ्यूल एवरेज जो पर लीटर है वो हमें मिल जाती है। गाड़ी की बूट स्पेस की बात कर लें तो यहाँ पे हमें काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस मिलने वाली है, देख सकते हैं फ्रेंड्स हम। और यहाँ पे हमें एक बूट स्पेस में लाइट भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मज़ीद आप गाड़ी की स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो सीट को क्लोज़ करके गाड़ी की स्पेस मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नीचे गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील भी दिया गया है। गाड़ी की कंडीशन फ्रेंड्स अंदर से आप देख सकते हैं। काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस लगी, हैचबैक गाड़ी है और इसमें काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस दी गई है। टोयोटा एक्वा 2014 का मॉडल है और 2017 की इंपोर्ट है। फ्रेंड्स ये था गाड़ी का डिटेल रिव्यू। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइस के बारे में। तो गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 23,50,000 रुपये। एसएन मोटर लाहौर पर इस वक्त ये गाड़ी मौजूद है और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 23,50,000 रुपये। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी जो रेगुलर वीडियो है उसकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड ये था आज का रिव्यू। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।